सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज फिर से आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे कि थे कि हमारे मैप्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, डाउनलोड नन लिखा हुआ आ रहा है, वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। जो भी गाइज प्रॉब्लम्स है, जो भी बग्स है, वो आज इस वीडियो में के अंदर मैं आपको 100% लाइव प्रूफ के साथ फिक्स करूँगा। आपको क्या करना है यार, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पर नहीं हो तो भाइयों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही यार प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अपडेट आ जाएगा इसका, BGMI का अब लॉन्च हो जाएगा, वैसे हम गिव अवे भी करेंगे। तो प्लीज़ यार अगर आपने मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब मैं आपको चैनल के पहले एक बार दिखा देता हूँ कि क्या एरर आता है। तो गाइस देख सकते हो इस टाइप का कुछ आपको दिखाता है, 0.1 MB दिखाता है। जैसे ही हम इन पर टैप करते हैं, और आप देख सकते हो मैं टैप करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको वेटिंग लिखा हुआ आता है। देख सकते हो नन नन लिखा हुआ आ रहा है, वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। अरे एरेना के अंदर जाते हैं तो सारे मैप्स पर भी यही लिखा हुआ आता है, वेटिंग वगैरह। और यहाँ से हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो नन वगैरह लिखा हुआ आता है। तो आप इसको कैसे सही कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस गेम को एक बार हटा देना है। हटाने के बाद में आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद में जेड आर्काइवर पर जाना है, क्योंकि यार जेड आर्काइवर ऐसा है जिससे कि आप एंड्रॉयड डाटा के अंदर जा सकते हो और कुछ भी फाइल्स के अंदर कुछ भी सही वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, वरना फाइल मैनेजर के अंदर एंड्रॉयड डाटा के अंदर आपको फोल्डर्स ही नहीं दिखाता है। तो गाइस अब आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ये अलाउ मांगेगा तो अलाउ कर देना है। उसके बाद में आपको एंड्रॉयड के अंदर आना है, और डेटा के अंदर आओगे तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस मांगेगा, तो ओके पर टैप करना है। उसके बाद में अगर आपके इस टाइप का इंटरफेस आता है तो आपको यूज़ दिस फोल्डर पर टैप करना है और अलाउ पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके डायरेक्ट इस टाइप का आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर ढूंढ लेना है, कॉम डॉट पबजी वाला। तो मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ, ये देख सकते हो ये रहा वो फोल्डर। तो इसके अंदर जाना है आपको। उसके बाद में फाइल्स के अंदर जाना है, UE4 के अंदर जाना है। उसके बाद में शैडो ट्रैकर्स के अंदर जाना है। उसके बाद में फिर से शैडो ट्रैकर्स के अंदर जाना है। उसके बाद में आपको सेव के अंदर जाना है, और यहाँ पे आने के बाद में PAKS की फाइल्स दिखेगी आपको, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ये फाइल्स मिलेगी। आप देख सकते हो गेम पेज और गेम पेज लिखा हुआ है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली। यहाँ पे मैं देख सकते हो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। मल्टीपल सेलेक्ट पर टैप करते हैं, और 1, 2 और ये 3, आप देख सकते हो इन्हीं फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको 3 डॉट पे टैप करके और इनको डिलीट कर देना है। तो मैं सिंपली इनको डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हो डिलीट का ऑप्शन आ गया है, तो मैं इनको डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ से हट गए। उसके बाद में आपको इनको मिनिमाइज़ कर देना है सबको। उसके बाद में आपको अपना पबजी ऑन करना है। पबजी ऑन करने के बाद में गाइस आप देख सकते हो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को ऐसे कंटेंट दिखाने के लिए। तो अगर यार आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइव के साथ दिखा रहा हूँ गाइस। उसके बाद में आपको एक बार चेकिंग आएगा, रिसोर्सेज वगैरह कुछ दिखाएगा, पर आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, कुछ भी पैक्स वगैरह आपको वापस डाउनलोड नहीं करने हैं, कुछ भी डाटा डाउनलोड नहीं करना है। डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में गाइस आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जैसा पहले आ रहा था। अब मैं आपको मैप्स डाउनलोड करके दिखाता हूँ यार, है। और इस पे आने के बाद में आप देख सकते हो गाइस मेरे वापस से मैप्स डाउनलोड होने आ गए हैं। आप देख सकते हो आए हुए हैं। उसके बाद में मैं आपको डाउनलोड के एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे मेरे को लिविक डाउनलोड करना है तो आप देख सकते हो यार 5%, 7% वगैरह वगैरह आने लग गया है, और बहुत ही आराम से मैप्स डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप ये ट्रिक्स अप्लाई करके बहुत ही आराम से मैप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पबजी रिलेटेडिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।